माँ ये कौन है? ये श्रवण है गणेश, ये दूर गांव से आया है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। तुम जल्दी से खाना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। प्रभु ये लीजिए मोदक, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। प्रभु आप विश्राम कीजिए। प्रभु पानी। कौन हो तुम? मैं हूँ श्रवण, बाल गणेश का सच्चा भक्त। मैं हूँ बाल गणेश का सच्चा भक्त, तुम नहीं। नहीं मैं हूँ। सच्चा भक्त कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? प्रभु आप चाहें तो हमारी परीक्षा ले लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका सच्चा भक्त कौन है, मैं या मूषक। मूषक तैयार हो? प्रभु जब आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे डर किस बात का, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी 5 विभिन्न परीक्षाएं करूँगा, जो ज्यादा जीतेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। हाँ लेकिन परीक्षा देते समय छल कपट का प्रयोग नहीं करना है। वक्रतुंड महाकाय। हाँ? कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश पूजा करना अनिवार्य है, और मैंने उसके बिना ही अपना अभियान शुरू कर दिया, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? हे प्रभु हमारे सारे विघ्न दूर कीजिए। बाल गणेश की जय। सच्चा भक्त मैं ही बनकर दिखलाऊंगा मूषक, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु मैं जीत गया। अरे मूषक, श्रवण ने कहा तुम दौड़ छोड़ के खाना खाने बैठ गए थे, देखा हार गए ना? नहीं मूषक, अगर इस तरह चलता रहा तो तुम हार ही जाओगे और श्रवण फिर सच्चा भक्त कहलाएगा, सोच लो। चलो अब दूसरी परीक्षा का वक्त आ गया। ओ ये क्या लिखा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु आप श्रवण को ही सच्चा भक्त बना लो, मूषक से ना हो पाएगा। हमने कितनी बार मूषक से कहा पढ़ ले, अगर मूषक ने पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मूषक अब श्रवण ने 2-2 परीक्षाएं जीत ली हैं। अब सुनो, तुम दोनों के सामने अभी जो भी आए वो खाना है, पर अपनी आंखें बंद करके। क्या? अगर तुम्हें परीक्षा नहीं देनी तो हार मान लो श्रवण। नहीं नहीं प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा प्रभु। अगम बगम बांध दो इनकी आंखों पर पट्टी। Huh?
अरे क्या हुआ, तुम दोनों थक गए? नहीं नहीं, भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ, बस ये आखिरी है। भूजल गया, भूजल गया, भूजल गया, पानी, 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 मुझे पानी चाहिए, पानी, पानी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे देखना होगा कहीं सिर्फ मुझे ही तो तीखी मिर्ची नहीं खिलाई। वाह मूषक, इस बार तो तुम जीत गए। क्या आश्रम पे आक्रमण? नंदी, ब्रिंगी, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। प्रभु, मैं भी चलूंगा आपके साथ और आपकी रक्षा करूंगा इन दैत्यों से। मूषक, श्रवण, लगता है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का वक्त आ गया है। जो इसमें उत्तीर्ण होगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आप अंदर जाइए, इसे हम संभाल लेंगे। प्रभु, मैं अकेला ही काफी हूँ इसके लिए, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। नहीं प्रभु, इसे तो मैं ही मारूंगा। बाल गणेश, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अगर लगता है कि मुझे आसानी से मार दोगे तो ये असंभव है, असंभव। काश तुम मुझे मार पाते, काश। क्या हुआ? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। रुको, मत मारो मुझे, रुको रुको। जरा तुम इनसे तो लड़के दिखाओ। तैयार हो? कहाँ जा रहे हो? बाल गणेश, मुझे माफ कर दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अपनी जान बचाओ। लगी तो नहीं तुम्हें? प्रभु, आपके होते हुए मुझ जैसे सच्चे भक्त को किस बात का डर? अरे तो फिर यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? माँ के हाथ के लड्डू नहीं खाने, चलो। प्रभु, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको धोखा दिया और मैं प्रभु भक्ति में भी मूषक राज से
कम ही साबित हुआ। मैं प्रसन्ना हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ श्रवण। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने प्रभु में पूर्ण विश्वास रखे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं। और इसीलिए मूषक तुम जीत गए। श्रवण मेरे मित्र, हाँ? तुमने सच्चा भक्त बनने के लिए गलत तरीके अपनाए, लेकिन तुम्हारा प्रभु भक्ति के लिए प्यार सही था। और जिसके दिल में बाल गणेश जी के लिए प्यार हो वो मेरा मित्र होता है। आओ मित्र, गले मिलो।